तो गाइस कुछ आपको ऐसा लुक मिलने वाला है स्लिप की ऑन करने के बाद, मतलब काफी यार नेक्स्ट लेवल लुक है स्लिप की ऑन करते हो तब। सो नमस्कार दोस्तों, यार वेलकम, आपका बहुत स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे ओनली बाइक्स लवर्स में। तो गाइज आज हम करने वाले बट टी उसके जो राइडर है फेमस बाइक अभी जो ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा चल रही है उसको जो आज हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले। सो गाइज रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको जो इस शोरूम का पता वगैरह जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, लेकिन उससे पहले आपको जो है बाहर का व्यू इसलिए कल का अगर आप इस शोरूम को विजिट करते हो तो आपको आसानी हो इस शोरूम पे जो है मतलब आने की, आपको पता तो मिल ही जाएगा लेकिन बाहर का व्यू दिखाने का वही कारण रहता है भाई, बाकी कुछ नहीं है। तो आइए इसको जो है रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं हम अपने जो है टीवीएस की जो राइडर है, ठीक है 125 में आती है ये वेरिएंट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 2022 मॉडल की यहाँ पर जो है टीवीएस की राइडर खड़ी है 125 एडिशन में आने वाली, पूरा ब्लैक कलर में आती है दोस्तों, ब्लैक एंड सिल्वर का इसमें जो कॉम्बिनेशन आता है। आइए इसका जो कंप्लीट रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आप यहाँ पे फ्रंट को देख पाऊंगी, यहाँ पर जाएगा आपको टीवीएस के नाम की ब्रांडिंग मिल जाएगी, मतलब यहाँ पे जो क्रोम फिनिशिंग में आती है और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। इसकी जो इन्फॉर्मेशन हम आगे चल के देखेंगे स्पीडोमीटर में जो भी कुछ आता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलने वाले भाई अपने प्लस नंबर प्लेस की जगह अपनी यहाँ रहने वाली है, और यहाँ पे जो है आर जो है अपना रेडियो का आर यहाँ पे जो मेंशन करा गया है, काफी स्टाइलिश लग रहा है। और यहाँ पे भाई इसका पूरा एलईडी का हेड लैम्प आता है, काफी स्टाइलिश लगता है यार। और यहाँ पे एलईडी के लाइट्स है जो कि आप की ऑन करने के बाद इसका लुक ही देख ही सकते हो। तो भाई मैंने की ऑन कर दिया है भाई, इसका लुक देख लीजिए एक बार यार, काफी प्यारा लग रहा है ना, और स्टाइल ना भाई काफी नेक्स्ट लेवल है। ऐसा लगता है भाई कभी कभार के मॉडिफिकेशन करवाई गई है, लेकिन भाई ये पूरा स्टॉक मटेरियल है, ठीक है दोस्तों। पर बाद में यहाँ पे जो है ब्लैक कलर की फिनिशिंग आप अंदर देख ही सकते हो, और यहाँ पे नीचे आते हो तो यहाँ पे इसका जो है पूरा फाइबर क्वालिटी में आने वाले, यहाँ पे जो इसका बम्पर है आगे तरफ से काफी स्टाइलिश लग रहा है यार, आप इसकी लुक वगैरह देख ही सकते हो, मतलब 125 की सबसे इसमें जो डिजाइन वगैरह ना काफी नेक्स्ट लेवल भरवाई गई है। और यहाँ पे बोल्ट वगैरह आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 और उधर से 3, मतलब यहाँ पे 6 बोल्ट का सपोर्ट आता है बम्पर पे। और यहाँ पे पूरा 240mm का डिस्क ब्रेक आता है आगे की तरफ, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे ब्रांड का यहाँ पे नाम वगैरह मेंशन नहीं करा गया, मतलब यहाँ पे बायबर का आता है या कौन सा आता है मुझे पर्सनल नहीं पता, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में इसके जो आगे का टायर साइज आपको भी दिखा दूँ एक बार। और एक बात की दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रिप है ना भाई टायर की, काफी मतलब वीआईपी या प्रोफेशनल बाइक जो होती है रेसिंग बाइक या हम जिसे कहते हैं उसी से मिलती जुलती है, ठीक है, क्योंकि पैच हम जिसे कहते हैं ना उसी से मिलती जुलती है। फिर बाद में आगे का टायर साइज आप देख ही सकते हो, फोकस करके दिखा दूँ भाई 1870 के इसमें जो टायर आते हैं आगे की तरफ। फिर बाद में इसमें जो टायर्स यूज करे गए तो वो टायर भी दोस्तों टीवीएस के ही है, खुद आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब टीवीएस की कंपनी है और टीवीएस से यहाँ पे जो टायर प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। और आगे को जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यूज करे गए, जो कि आप इसकी लंबाई वगैरह देख सकते हो, ठीक है। फिर बाद में हम जैसे पीछे आते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो भाई इंडिया का जो फ्लैग यहाँ पे क्रिएट हो रहा है भाई कलर में, ठीक ठाक है। और यहाँ पे भाई इसके हाइड्रोजन के इंडिकेटर जो कि जरा से भी आप मेरे को फ्लेक्सिबल जो है नहीं लगे, लेकिन पूरी जीरो फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो भाई टीवीएस का जो अपना हॉर्स रहने वाला है भाई यहाँ पे रहने वाले, वो भी क्रोम फिनिशिंग में, साधारण सा नहीं है, इसमें आप पन्नी वगैरह चढ़ी हुई देख सकते हो अभी फिलहाल। और यहाँ पे भाई पूरी जो बॉडी ना टंकी अगर हम जिसे कहते हैं पूरी फाइबर में भाई, नो लोहा दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हार्ड प्लास्टिक मटेरियल वगैरह यूज करा गया है, ठीक है। और यहाँ पे इंटेलिगो, यहाँ पे कुछ टीवीएस इंटेलिगो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और भाई सच में लुक्स बता दूँ यार, नेक्स्ट लेवल है लुक्स इसका, ठीक है। और यहाँ पे भाई इसका पूरा 125cc का इंजन आता है, इसकी जो पूरी स्पेसिफिकेशन है वो अपने स्क्रीन पर आप भी देख सकते हो। मैंने जो पूरी इसमें मेन पॉइंट ही लिए है, मेन 5 पॉइंट माइलेज वगैरह आप देख सकते हो उसमें लिखा हुआ, ठीक है, स्पेक्स पढ़ ली। फिर बाद में यहाँ पे आप फिक्स स्पीड से हाँ ये पन्नी चढ़ी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो डिजाइन वगैरह करी गई है। और यहाँ पे पूरा क्रोम फिनिशिंग में राइडर नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, काफी स्टाइलिश डिजाइन में करा गया है यार फिनिशिंग वगैरह। और यहाँ पे बाकी कुछ खास नहीं है, पूरा फाइबर पार्ट है भाई, लोहे का यूज कम करा गया है, लेकिन भाई कीमत को देखते हुए भी आप इस बात को समझ सकते हो। और यहाँ पे भाई इसका पीछे वाला ब्रेक है, यहाँ पे एडजस्टेबल फुट रेस्ट आते हैं, और यहाँ पे भी एडजस्टेबल आगे की तरफ स्प्रिंग यूज करी गई है, और पीछे जो है फुल्ली एडजस्टेबल फुट रेस्ट आते हैं इसमें। फिर बाद में अब इसका साइलेंसर का लुक देख लीजिए, काफी मस्कुलर साइलेंसर है भाई, 125cc का इंजन का लगता ही नहीं है। और बाकी इसमें जो है लोहे का यूज करा गया है, जो कि अच्छी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जो यहाँ पे फिनिशिंग वगैरह है लोहे में ही आती है, और ये इसका साइलेंसर का एंडिंग यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और प्रोटेक्शन की कुछ मतलब ठीक ठाक इसमें प्रोटेक्शन वगैरह भी दिया गया है। और यहाँ पे भाई इसका पीछे का टायर भी आप यहाँ पे अच्छी तरह देख सकते हो, टीवीएस का टायर आता है इसमें, आपको पहले भी पता चुका हो, इसका साइज भी आप एक बार दिखा दो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 1917 के टायर आते हैं पीछे के साइड, जो कि ठीक ठाक इसके जो है मतलब 125cc के हिसाब से इसमें जो ठीक ठाक टायर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे पीछे के साइड आप ग्रिप वगैरह भी देख सकते हो, काफी स्पोर्टी लुक जो मतलब स्पोर्ट्स बाइक होते हैं ना उनमें अवेलेबल जो ग्रिप होती है जो इसमें यूज करे गए।
और बाद में हम इसका उस साइड से भी एक बार देख ही लेते हैं। इस सेट से वही सीन है, मतलब यहाँ पे भी जो है क्रोम फिनिशिंग में, यहाँ पे जो हॉर्स वगैरह आप देख ही सकते हो काफी प्रीमियम लगता है भाई। और टंकी है ना काफी यार, मतलब स्पोर्ट फील देती है, ऐसा लगता ही नहीं भाई 125cc की इसमें जो है, मतलब ये बाइक 125cc की ऐसा लगता ही नहीं किसी भी एंगल से, आप सच में बता दो। और यहाँ पे पूरा रबर फिनिशिंग में आप टैंक पैड वगैरह हम जिससे कहते कह सकते हो, यहाँ पर फ्यूल भराने की जगह है, इसे आप ऐसे ओपन कर सकते हो या फिर की प्लेसमेंट की जगह है, फिर बाद में यहाँ पे फिर से आप राइडर लिखा हुआ देख सकते हो। और यहाँ पे भाई इसका पूरा 125cc का इंजन भी आप अच्छी तरह देख सकते हो, यहाँ पे इंजन गार्ड आता है जो कि काफी स्टाइलिश लगता है भाई, मतलब काफी स्पोर्टिव फील देता है आपको। और यहाँ पे भाई इसके 5 गियर्स आते हैं इसमें, जो कि अच्छी बात है, जो कि सिंगल पैडल के साथ आते हैं, जो उसकी सिर्फ और सिर्फ आपको स्पोर्ट बाइक में अवेलेबल दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भाई इसका एडजस्टेबल फुट रेस्ट है जो कि स्प्रिंग यूज के साथ आता है, और ये भाई फुल्ली एडजस्टेबल फुट रेस्ट। यहाँ पे इसका मेन मतलब बड़ा वाला स्टैंड और गाड़ी अभी नहीं, यहाँ पे जो मेन स्टैंड है और बड़े स्टेबल स्टैंड पे भी गाड़ी फिलहाल खड़ी है, ठीक है। और भाई इसका मुझे माइनस पॉइंट ये साइड गार्ड लगा भाई, साइड गार्ड आप देख लीजिए, साइड गार्ड से ज़्यादा तो टंकी बाहर निकलती हुई दिख रही है, मतलब कल को अगर गाड़ी गिरती है तो भाई आपका पैर तो बच सकता है भाई, लेकिन गाड़ी के चांसेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं भाई कुछ टूटने फूटने का। और यहाँ पे भाई इसका पूरा और मतलब हार्ड मटेरियल में जो इसका पीछे का हैंडल बार आप देख सकते हो, काफ़ी मजबूत लग रहा है यार भाई, काफ़ी मजबूत, गिरने का नाम तक नहीं लेता थोड़ा बहुत, मतलब इसमें मजबूत ठीक ठाक है हैंडल बार में। और यहाँ पे पीछे के साइड का लुक, यहाँ पे भाई इसकी जाली यार मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन ना भाई काफ़ी मतलब ये करने वाली, आप इस बात को समझ सकते हो तब तक आपको जो है प्रोटेक्शन देने वाली, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है, और यहाँ पे जो मड गार्ड है इसका, यहाँ पे पूरा फाइबर पार्ट में आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी लोहे का यूज़ वगैरह नहीं करा गया है, और यहाँ पे आप खुली हुई चेन भी देख सकते हो, काफ़ी खुली हुई है भाई, ठीक है। और बाकी इसका जो पीछे का भी लुक आपको एक बार दिखा दूँ, तो भाई ये पीछे का लुक, तो गाड़ी एक जगह से हिल नहीं पा रही भाई, बिकी हुई गाड़ी, इसलिए वो मैं एडजस्ट करके ली है गाड़ी अपने रिव्यू के लिए, लेकिन ये एक जगह से हिलने का जो है मना कर रहे थे, इसलिए मैं एक जगह खड़े करके इसको जो है रिव्यू करा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई पीछे का साइड का लाइट भी आपको एक बार इसका लुक दिखा दूँ कि ऑन करने के बाद, तो गाइस कुछ आपको ऐसा लुक मिलने वाला है स्लिप की ऑन करने के बाद, मतलब काफ़ी यार नेक्स्ट लेवल लुक है स्लिप की ऑन करते हो तब। तो भाई अपना बैक साइड का लुक रहा है ना काफ़ी बेहतर है, और यहाँ पे फिर से आप टीवीएस के नाम की ब्रांडिंग वगैरह देख ही सकते हो, और यहाँ पे नीचे से छोटा सा लाइट है, अपनी की मतलब नंबर प्लेसमेंट की जगह अपनी यहाँ पे रहने वाली, ठीक है दोस्तों। और यहाँ उसका बम्पर की एंटी, फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इसकी जो मिरर्स है उसकी जो एडजस्टेबल, मतलब इसकी एरिया कैप्चर की लेवल हम जिसे कहते हैं ना काफ़ी ठीक ठाक लग रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब ठीक ठाक एरिया यहाँ पे जो कैप्चर करने की कैपेसिटी है। और फिर बाद में इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे नजर डालते हैं एक बार, ठीक है। तो गाइस हम जैसे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करते हैं, सबसे पहले आप देख पाओगे यहाँ पर जो हॉर्स है इसमें लाइट जलने लगी है, और पूरा जो इंस्ट्रूमेंट ना टीवीएस का जो रेडार है उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें जो फीचर वगैरह थोड़े नेक्स्ट लेवल दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो भाई आरपीएम का सेटअप, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर जो आरपीएम का सेटअप है 1000 RPM, आप भी आप देख सकते हो ट्रिप ए वगैरह आप लिखा हुआ है, टाइम मेंशन करता है, गाड़ी फिलहाल न्यूटन पे खड़ी है वो भी है, यहाँ पे पावर वगैरह लिखा हुआ है, गाड़ी में पेट्रोल भी फिलहाल कम है, तो यहाँ पे जो सिग्नल दे रहा है पेट्रोल का, यहाँ पे मतलब लेवल होती है फ्यूल की वो भी दिखा रहा है। और भाई यहाँ पे यार यहाँ पे जो टाइम नहीं था, यहाँ पे जो किलोमीटर का ट्रिप वगैरह है, और यहाँ पे भाई टाइम का मेंशन यहाँ पे करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे घड़ी का आप सिंबल भी देख सकते हो, यहाँ पे एन फिर से एन लिखा हुआ है, मतलब गाड़ी कितनी गियर पे चल रही है यहाँ पे मेंशन करने वाला है, शो करने वाला है, यहाँ पे स्पीड शो करने वाला है, और बाकी यहाँ पे ट्रिप वगैरह सेट मीटर था ओडोमीटर शो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो बाद में इसमें जो दो बटन अवेलेबल है उसको भी जब दबाते हैं ऊपर से कुछ खास तो फर्क नहीं पड़ा भाई, जो आरपीएम यहाँ पे नीचे करना भाई रेंज वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है, रेंज एवरेज ट्रिप ए ट्रिप बी भाई, मतलब यार कीमत के साथ इसमें जो ठीक ठाक फीचर यहाँ पे जो है प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप इस बात को समझ ही सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट में आपको एक बार फिर से इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ एनिमेशन वगैरह कूल। हाँ, और इसमें जो एक फीचर आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का, जो कि आप इसमें जो ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हेलमेट का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन चमकता हुआ दिख रहा होगा, तो मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कुछ होगा ही होगा। और यहाँ पर भाई मतलब रबड़ फिनिशिंग में यहाँ पे जो टीवीएस की ब्रांडिंग है की प्लेसमेंट यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे भाई इसका चार्जर सॉकेट भी इसमें अवेलेबल है यूएसबी का, ठीक है। यहाँ पे आप अपना चार्जर की पिन वगैरह डाल के यहाँ पर जो है अच्छी तरह अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हो, लेकिन भाई वो खड़ी बाइक में यहाँ पे मतलब रनिंग में आपको जो है ये काम रिस्की हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो है हम इसके जो बटन पर नज़र डालते हैं भाई इंस्ट्रूमेंट का, मतलब यहाँ पे हैंडल बार पे जो भी कुछ बटन आते हैं उसको
पहले गाइस यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पर भाई पासिंग का बटन है वहाँ, यहाँ पे अपर डिपर का, यहाँ पे इंडिकेटर का, यहाँ पे हॉर्न का। हॉर्न भी एक बार आपको सुनी लीजिए भाई, हॉर्न कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। दो तीन बार दबाई, इंस्ट्रूमेंट भी ऑन है लेकिन हॉर्न कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। शायद गाड़ी ऑन करने के बाद ही हॉर्न बजता होगा, ऐसा भी कुछ होगा इसमें। और बाद में यहाँ पे जो वही दो मोड भी आते हैं भाई, इको पावर या हुआ इको। अभी आप देख सकते हो मैंने इको का बटन दबाया, यहाँ पे इको में ट्रांसफर हुआ। अब जैसे मैं इसको पावर पे प्लस करूँगा, यहाँ पे भाई पावर में ये ट्रांसफर हो गया। इस बात को आप समझिएगा भाई, दो मोड के यहाँ पे यूज़ करा गया है। और यहाँ पे भाई इसका इंजन का, इंजन तो मैं ऑन नहीं कर सकता, गाड़ी का पेट्रोल भाई पूरा खत्म है। और भाई मोटर पे चलती है गाड़ी, आपको नया पता होगा, न्यू ऑप्शन है। बिना पेट्रोल के अगर आप स्विच मारते हो तो आपको एक प्रॉब्लम दे सकते, इसलिए मैं स्विचेस का जो दे नहीं सकता, पेट्रोल गाड़ी का जो है पूरा खत्म है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपने TVS की राइडर 2022 मॉडल की। ठीक है, तो इसका जो कंप्लीट मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगे कमेंट बॉक्स जरूर बताना। और वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगता है पर्सनली तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को लाइक शेयर है सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस इतनी चीज इच्छा है। तो दोस्तों यही पे अपना जो TVS का राइडर का रिव्यू खत्म होता है। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट द चैनल एंड मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।